हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूँ आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। तो देख रहे हो गाइस, आज मौसम कितना प्यारा हो रखा है। वैसे हल्की हल्की धूप है बट गर्मी नहीं है, और आज तो सुबह इतनी बढ़िया बारिश आई है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी आज के ब्लॉग में गाइस, मैं आपको एक TVS Ntorq दिखाने वाला हूँ। मेरे एक फ्रेंड की है वो, और उसने ना यार मॉडिफाइड करवा रखी है, और बहुत ऐसा भी नहीं है ओवर मॉडिफाई करवा रखी हो, बहुत मिनिमम मॉडिफाई करवा रखी है, लेकिन उसका लुक इतना प्यारा लगता है ना, तो आपको दिखाता हूँ आज। तो पहले मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, फिर किसी शांत लोकेशन पे चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, आ गया हूँ मैं अपनी लोकेशन पे, और आपको देखो बहुत तेज ब्लिंकर्स की आवाज़ आ रही होगी, इंडिकेटर्स की। आपको स्कूटी दिखाता हूँ एक बार। गाइज, ये है स्कूटी और ये है मेरे फ्रेंड, इनका नाम है चंदन बिस्ट। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, कैसे हो? और कब ली थी आपने स्कूटी? ये मैंने ली थी नवंबर में 2022। 2022 कितने की पड़ी थी ये मुझे? ऑन कैश पड़ी थी 1,04,000। बताओ भाई, स्कूटी 1,00,000 की जा रही है, क्या बोले? बट यार मैंने ऑन कैश खरीदी थी। सेटिस्फाइड हो आप स्कूटी से? यस, बहुत सेटिस्फाइड हूं। और कभी स्कूटी ने धोखा दिया? सच बता ना, सच में मुझे दिया तो सिर्फ बारिश के टाइम पे दिया, बिकॉज पानी चले जाए तो गाड़ी वही रुक जाती है, मतलब पानी में ले गए थे टेक्निकल। हाँ, वो बारिश का टेक्निकली प्रॉब्लम आई, इसके बाद मेरे को प्रॉब्लम कोई यहाँ पे कोई लगी नहीं थी आपको। तो गाइज, वो रही मेरी स्कूटी, और मेरी स्कूटी में टच वुड आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इनकी स्कूटी में आई थी, इन्होंने मेरे को कॉल भी करा था, मैं बता रहे थे कि ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बेसिकली इसका इंजन ना यहाँ पे होता है, तो ये पानी में ले गया था, यहाँ यहाँ तक पानी था, तो इन्होंने पूरा वो था प्रकृति, वो मंडी हाउस का अंडरपास था, तो वहाँ पे इनकी स्कूटी का थोड़ा सा हो गया था, इंजन में पानी चला गया था। और ठीक कैसे हुआ, एक दो दिन बाद स्कूटी ठीक हो गई? मैंने ड्राइव करी, हल्का सुधार के मैकेनिक, इन्होंने पूरी स्कूटी खुद ही खोल दी थी। मेरे को याद है वीडियो कॉल कर रहे थे, बट यही है, कुछ कह नहीं सकते यार। मेरी स्कूटी से तो आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, बट इनकी स्कूटी में पानी चला गया था तो बंद हो गई थी। बट वैसे मेरी स्कूटी में भी बहुत हद तक मैं पानी के अंदर लेके गया हूँ, बट मेरे साथ आज तक अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपके साथ हुआ तो किस्मत की बात है। देखा जाए तो गाड़ी जब बंद होती है, जैसे इनके जगह सपोज दैट पानी भरा हुआ है, हाँ, अगर आप वहाँ पे स्पीड दे दो, हाँ, तो स्पीड का जो पावर आता है ना, हाँ, वो जो चीज प्रॉब्लम करता है। अगर आप नॉर्मली 25 की 10 की स्पीड में, हाँ, मैं वैसे ही करता हूं, तो वहाँ पे आपको कोई टेक्निकल नहीं। अगर तुम अपने जोश में तुमने पानी में तेज चला दो, ज्यादा रेव कर दोगे, हाँ, तो वो पानी इंजन के अंदर चला जाता है, डैमेज पूरा पानी प्लग व्लग में सब में जाके वो डिस्काउंट कर देता है। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है। पहले अब ये बताओ इसमें कितना खर्चा करवा रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल Ntorq तो लग नहीं रही है। तो मैंने ऑलमोस्ट तो जो मॉडिफिकेशन मैंने इसमें अब तक कराई है, हाँ, वो मेरे प्राइस ऑलमोस्ट पड़ी मुझे 12,000 की। 12,000 की भाई साहब, मतलब देख लो गाइस, स्कूटियों पे लोग 12,000 रुपए लगा रहे हैं। इसमें से एक्सेसरीज तो मैंने हटा दी है, हाँ, क्योंकि गाइस एक बार ये देखो इसकी एक्सेसरीज देखो, ब्लैक कलर की इतनी बढ़िया लगती है, जैसे मेरे में व्हाइट कलर की है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल लगती है, लेकिन ये जो इन्होंने करवा रखी है ना, बहुत बढ़िया लगती है। ट्रैकिंग पर्पस के रिकॉर्डिंग। अच्छा, कहीं लेके गए उसको दूर? बहुत ऑलमोस्ट हर जगह जा चुकी है। कहाँ कहाँ गए? जा चुकी है। अच्छा, उत्तराखंड जा चुकी है। ओके, हर जगह जा चुकी है अब तक। ओके, तो वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, वहाँ पे कभी, क्योंकि इसका जो पिकअप है वो हमारे पहाड़ों का भी आपका अच्छा। हाँ, मैं भी लेके गया हूँ पहाड़ों पे, तो खैर बट सही चलती है। और एक बात बताओ, आपने ये रैप करा रखी है इधर से? नो, रैप नहीं, ये मैंने स्प्रे मारता हूँ। अच्छा, ये स्प्रे मारा हुआ है? हाँ, क्योंकि गाइस मेरी स्कूटी में एकदम ऐसा डार्क कलर नहीं है, ये लाइट कलर है, ब्लैक मैंने स्प्रे था मेरे पास। अच्छा, क्योंकि हम लोग जंग से मारते तो मैंने यहाँ पे मार दी थी, बिकॉज यहाँ पे स्क्रैच लग रहे थे कुछ। हाँ हाँ, वो मैंने फॉग लाइट लगाए थे ना, उसके इंस्टॉलेशन में थोड़े स्क्रैच लगते थे। ओके, और ये देखो भाई ने LED लगा रखी है, LED तो खैर मैंने भी लगा रखी है, और ये क्या लगा रखा है? वाइजर, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये देखो गाइस, सबसे बढ़िया जो इन्होंने सेफ्टी गार्ड लगा रखे है ना इसमें, देखो ये भी है, इनको क्या कहते हैं? तो इस जगह से ना ज्यादा इधर डैमेज नहीं होगा, बट हाँ, तुम्हारी तो हो रखी है। बाद में लगाए थे क्या? हाँ, गिरने के बाद लगाए थे? नहीं, नहीं, पहले लगाए थे। तो ये कैसे हुआ? ये ये एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद लगाए होंगे ना। ओके, और ये देखो Ntorq यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और पूरी लाइट तक इन्होंने वो करवा रखी है सेफ्टी के लिए हर जगह से, तो ये बहुत सही लगा मेरे को। आपको प्राइस भी बताएंगे एक मिनट सारा, कितने का क्या हुआ था। बाकी ये है कि स्कूटी लगती बहुत जेन्युइन है इनकी। अब आप मेरे को एक बार इसका प्राइस बता दो, ये कितने के लगवाए थे और कहाँ से? ऑलमोस्ट मैंने ये एक्सेसरी लगाई थी, मुझे पड़ी थी 2,200 रुपये की। 2,200 की? 2,200 रुपये की लगी थी, ये लगाई थी मैंने करोल बाग से। मेरा एक फ्रेंड है, एज अ
सोवेन करके एक है बाइकर। अच्छा, मैंने उसके वहाँ लगवाए थे क्योंकि हम लोग 2200 की तो थोड़े एक्सपेंसिव है, बट यार वो है ना कि अगर सेफ्टी क्रैश गार्ड भी है तो वो अच्छा है। छोटी जो इंटॉक है ये हमारी होती है फाइबर बॉडी। हाँ, फाइबर बॉडी ये एज ए डैमेज रिपेट स्लिप होते ही इसके फाइबर पार्ट होते हैं डैमेज होने टूट जाते हैं, तो इसी यहाँ पे मैंने लगाई थी। नहीं वही है, लेकिन अच्छी लग रही है काफी उस हिसाब से। तो बाकी एक बात बताओ, आपकी इंडिकेटर इतनी आवाज कर रहे हैं तो ये आपने कोई फ्लैशर लगवा रखा इसमें? नहीं, ये ऑलरेडी पहले से, तो पहले वाले जो एजार्ट में लगाए थे फ्लैशर, हाँ, उनका पहले साउंड था, तो इस बार मैंने फिर वो प्रॉब्लम आ गई तो मैंने चेंज किया था। हाँ, उन्होंने जो दूसरे वाले लगाए थे कोई सिमटेक कंपनी के आते हैं ना, सिमटेक का फ्लैशर लगा हुआ साउंड है। हाँ, तो वो देखो इंडिकेटर को कितनी तेज साउंड करते हैं। और ये कितने के लगवाए थे? तो खैर मैंने भी लगवा रखे हैं, ये 400-500 के लगाएंगे। हार्ले स्टाइल इंडिकेटर कहते हैं। हाँ, ये पड़े थे मुझे आई थिंक 750 के अराउंड। ओके, महंगे पड़े थोड़े। हाँ, बट मैंने बहुत टाइम पहले लगवाए थे, आपने अगर रिसेंट लगाए हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होता ही है। और क्या एवरेज क्या दे रही है स्कूटी? क्या कह रहे हो, एंटॉर्क वाले एवरेज नहीं देखते? एवरेज नहीं देखते, फ्यूल टैंक को ना उसका फुल करवाना और सिर्फ अपने राइड के एंजॉय लेना। सही है, सही है, सही है। एवरेज अगर कुछ नहीं देखते। और ये आपने ये लगा रखा है लद्दाख का फ्लैट, ये जो ट्रैकर है जो अपने ट्रैवल के यहाँ पे गए हो क्या, इसको लद्दाख लेके जाना है क्या आपको? सही, लद्दाख तो नहीं पर नेपाल जरूर लेके जाना है सभी। अच्छा, तो गाइस देखो ये जो उन्होंने क्रैश गार्ड लगवा रखे हैं ना, इसमें एक अलग से सपोर्ट भी मिलता है, जो अगर बंदा पीछे बैठा हो तो वो इसमें पैर रख सकता है। और हेलमेट देखो भाई का, हेलमेट दिखाना एक बार, ये हेलमेट कितने का लिया आपने? हेलमेट मुझे पड़ा था 5000 का। हाँ, ये वो है ना एग्जॉस्ट का वेनम वाला। हाँ, और देखो कितना सूट कर रहा है इसके साथ, है ना। आप आ रहे थे एकदम राइडर ही लग रहे थे इस पे। बाकी सही है गाइस, स्कूटी तो बहुत तगड़ी मॉडिफाई करवा रखी है, तो मतलब यही है कि कम बजट पे भी चाहे अगर बंदा सिर्फ ये लगवा ले तो भी अच्छी लगती है। हाँ, और ये कितने का पड़ा था आपको? ये वाइजर मुझे पड़ा था आई थिंक 120 का। वाइजर तो बहुत सस्ता है और इससे लुक भी अलग हो जाती है, इससे बहुत अच्छी लुक है। हाँ, तो गाइस एक बार मोटर व्लॉग करते हैं, इसको चला के देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये है स्कूटी, जरा एक राउंड मार कर आते हैं, देखते हैं BS6 की परफॉर्मेंस। यार आपका हैंडल बहुत भारी हो रखा है। गाइस ये हैंडल बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, बट ठीक है, ये जैसे लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जाओ तो बबलिंग नहीं मारता होगा, है ना। हाँ, तो चलो एक राउंड मार कर आते हैं। बाकी टायर को लेके हवा कर। और अच्छा, ये भी लगवा रखा है मोबाइल होल्डर, ये कितने का लगवाया था? ये लगाया था मेरा 160 करोड़। ओ, बहुत सस्ता लगवा रखा है ये। चलो गाइस एक राउंड मार कर आते हैं। ओके, तो मोबाइल होल्डर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम की है, आवाज़ बहुत करता है, आपको आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी एक चीज़ जो मैं चलाने के साथ ही कहूँगा कि मेरी स्कूटी थोड़ी सी पुरानी हो रखी है, बट ये इन्होंने अभी हाल फिलहाल ही खरीदी है, मेरी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, ये नहीं है। तो इसके शॉकर्स बहुत प्यारे हैं और सीट भी बहुत कम्फर्टेबल है यार, इन्होंने शायद सीट में कुछ काम करवा रखा है जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी पिकअप भी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिकअप इसका थोड़ा सा कम लग रहा है, मेरे को मेरी वाली का ज़्यादा लग रहा है। पिकअप शायद इसका कम है थोड़ा मेरी वाली से अगर मैं कंपेयर करूं। बाकी भाई हैंडल तो बहुत भारी हो रखा है इसका, वही है इन्होंने क्रैश गार्ड बहुत लगवा रखे ना, तो हैंडल इसका काफ़ी हैवी हो रखा है, मेरी वाली का इतना हैवी है नहीं। और ये देखो फ्लैशर ऐसे जलते ही रहेंगे, ये बेसिकली सिटी के लिए तो इतने यूज़फुल नहीं है, अगर आप कभी राइड वाइड पे जा रहे हो हाईवे वगैरह पे और कोहरा वोरा हो रखा है तो उसके हिसाब से बढ़िया है। बट पता है मेरे को ये स्कूटी मोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका बहुत ज़्यादा हैंडल भारी हो रखा है, बट कोई नहीं, अब वो चलाते हैं तो उनका हाथ सेट हो रखा होगा, मैं कम चलाता हूँ इसलिए बेसिकली मेरे को भारी लग रहा है। मैं अपनी वाली चलाता हूँ, उसका हैंडल हल्का है, इस वजह से शायद मेरे को लग रहा है। बाकी सही है, एंटॉक तो एंटॉक ही है, पावर है इसमें भी, बट पता नहीं क्यों मेरे को मेरी वाली में पावर ज़्यादा लगती है। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वाली में पावर थोड़ी सी कम है? सर्विसिंग की। अच्छा, सर्विस करवानी है, हो सकता है। बाकी गाइस सही है स्कूटी तो, और क्या कहना चाहोगे अगर किसी को एंटॉक लेनी हो तो कैसी स्कूटी है? एंटॉक अच्छी है, बट मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा भाई अगर जो भी एंटॉक ले रहा है, हाँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी मेंटेनेंस। ओके, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग, ऑयल वॉयल सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, वैसे नॉर्मली इंटॉक के लिए वो हर गाड़ी के रिकमेंड। बाकी क्रैश गार्ड लगवा लो तो चिंता ही नहीं है कुछ,
नहीं वो तो अपने यहाँ पे कि वो अगर एक्सीडेंट हो जाए भाई, इस भी यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका मेंटेनेंस, उसकी जो सर्विस होता है किसी चीज का ले। वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है आपको? क्या चीज? वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है? क्वालिटी अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है ना? अब वही एक्टिवा लोग बंदे लेते हैं माइलेज के चक्कर में, पर एक्टिवा का भी माइलेज इतना अच्छा नहीं है, आपको बता दूं। क्या बोलता है? जैसे फाइबर बॉडी है, उसकी स्टील बॉडी होती है, वो मेटल बॉडी होती है। हाँ। लेकिन वो हर जगह मेटल नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे मेटल है सिर्फ। मेटल बॉडी होते हैं वो ऐसे जंग। हाँ, जंग जंग का कि वो जल्दी मैंने की देखी एक्टिवा में खड़खड़ बहुत जल्दी। हाँ, क्योंकि इसके जो मेटल और एक्टिवा का जो पीछे वाला टायर है ना, वो थोड़ा छोटा होता है, आगे वाला बड़ा होता है, पीछे साइड होता है। अगर कोई लड़का नॉर्मल वो है तो चलो गाइज, यही आपको एक्टिवा दिखानी थी। तो गाइज यही आपको एंटॉक दिखानी थी, एक्टिवा निकल गया। मेरे को तो बढ़िया लगी, बाकी ऐसी मोटिवेशन थोड़ी बहुत करवाओगे आप तो अच्छी लगेगी आपको भी। बट कुछ भी कहो गाइज, ये मेरा फ्रेंड स्कूटी में लगता बढ़िया एकदम राइडर। देखो हेलमेट भी एकदम मैचिंग का है और स्कूटी भी। अब वो ये एक्टिवा में ऐसा स्वैग आएगा नहीं, एंटॉक में ही आएगा। चलो फिर बाय। तो आराम से। तो गाइस अब चल रहे हैं घर, भाई भी जा रहा है अपना काम से और हम चलते हैं घर। बाकी यार इन्होंने जो अपनी स्कूटी में ये ब्लैक ब्लैक गार्ड्स लगा रखे हैं ना, वो बढ़िया लगते हैं। अरे एक्टिव वाले भैया जा रहे हैं फुल थ्रॉटल देके। अरे 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 कैसे जा रहे हैं भाई फुल कट मारते हुए। वो अक्षरधाम मंदिर। तो गाइज अगर आपको बजट में मॉडिफिकेशन करवानी है ना एंटॉक की, तो आप ऐसी करवा सकते हो और इसी कलर की लेके। आप देखो इस कलर में कितनी प्यारी लग रही है ऐसी मॉडिफिकेशन करवा के। बाकी यही था इस व्लॉग में, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।